हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है आज के टीएस एपिसोड नंबर 55 में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके काफी मस्त मस्त क्वेश्चन के रिप्लाई देने वाला हूं, तो वीडियो आपके एंड तक देखते हुए काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट है मेरे से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की जो आते हैं मोहम्मद शेख की तरफ से, वो बोल रहे हैं भाई मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, ओएलएक्स पर क्या है उसके ऊपर क्या वीडियो बना सकता है। तो भाई एक्चुअली मैं इसके वीडियो बना सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं अगर आपके साथ एक्चुअली है। तो सबसे पहली बात, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी, आपको देखनी चाहिए थी, क्या क्या टिप्स बताई थी मैंने, आपको फॉलो करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हो गया तो स्टिल आप सबसे पहले साइबर क्राइम के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, उसके बाद जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे आप जो है ये सारी चीजें भेज सकते हो। आप बोलो तो उस बंदे ने जो भी फ्रॉड करा है उसकी डिटेल्स जो सब, तो मैं जो है यहाँ पे वीडियो लाऊंगा, अगर आप ऑथेंटिक हो तभी जो है मैं ये काम करूंगा, ठीक है। बाकी आप टाइम वेस्ट या फिर टाइम पास बिल्कुल मत करना। तो भाई बात करते हैं अगले कमेंट की जो आते हैं यहाँ पे, आगे बटन लॉइन की तरफ से, वो बोल रहे हैं मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उसको 1 ईयर हो गया है, अभी तक ग्रो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं भाई, रो क्यों रहे। मैं बताऊं तो मेरा भी यही कुछ सीन था जब मैंने स्टार्टिंग यूट्यूब करी थी, यानी अभी भी कुछ मैं बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हूं कि 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मेरे, लेकिन 10K सब्सक्राइबर मेरे लिए 1 मिलियन के बराबर है, बहुत ज्यादा खुश हूं, ठीक है। जो चीज मेरे को मिलती है मैं उससे खुश होना चाहिए भाई हमेशा लाइफ में। मैं आपको बता दूं अगर आपको स्टिल ग्रो करना है, देखो बहुत से लोगों के आते हैं कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मेरे लिंक डाल दो मेरी स्टोरी में, या देखो मेरे थ्रू आपको 200-300-500 हजार लोग आ जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे भाई आप, उसके बाद तो आपको ही करना है ना। तो जो आपको बाद में करना है तो आप अभी करो। मैं आपको ये कहूंगा जो भी आपका कंटेंट है, जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बना रहे हो, सबसे पहले एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पकड़ लो। जैसे टेक में आप कुछ अच्छा कर लेते हो, यानी अनबॉक्सिंग अच्छी कर लेते हो, रिव्यू अच्छे कर लेते हो, तो आप रिव्यू की तरफ जाओ, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट लाओ, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर जो भी नया प्रोडक्ट खरीदा है उसको बोलो। और मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। एंड एक और चीज भाई, अपनी ऑडियंस का ध्यान रखो, अपनी ऑडियंस को कुछ भी मत दे दो, कभी भी उठा के कुछ भी वीडियो डाल दी या कुछ फेक वेबसाइट एप्लीकेशन प्रमोट करें जिनमें आपके सब्सक्राइबर के पैसे डूब रहे हैं, ये चीज कभी मत करना। लॉयल्टी रखो अपने सब्सक्राइबर या फिर फैबर या फैन के प्रति। तो बात करते हैं अगले कमेंट की जो आते हैं यहाँ पे, पियानो भाई निक की तरफ से, वो बोल रही हैं भाई ये सब नॉर्मल है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाओ। तो यार ये चीज मैं मानता हूँ, कभी कभी जो मैं काफी नॉर्मल बेसिक वीडियो डाल देता हूँ कि कैसे जो आपको इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेटिव टैग फीचर यूज करना है, कैसे अपडेट करना है, तो आई नो भाई वो काफी बेसिक है, लेकिन स्टिल लोगों को नहीं आती है वो चीजें। तो जो भी एक न्यू यूजर है या फिर कोई भी एक नया टीनेजर है, कोई भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई वो गलत बात नहीं है। लेकिन भाई बात है न्यू कॉन्सेप्ट की, तो मैं जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ। अगर आप मेरा YATS सीरीज उठाओगे देखोगे उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली मैंने अपने चैनल पे, पास में डाला था, कहाँ जो यहाँ पे अनसेंड मैसेज चले जाते हैं। भाई जब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ तो उसमें व्यूज ही नहीं आते, बोल सकते हो कि लोगों को नॉलेजेबल देखना पसंद ही नहीं है। कुछ परसेंट होगी जो ऑडियंस है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ परसेंट सब्सक्राइबर्स हैं जिनको देखना पसंद है, कि जो जितने भी लोग हैं वो सारे देखना चाहते हैं कि कैसे हम फॉलोअर बढ़ाएं। भाई यही आज की रियलिटी है, लोग अगर सच में इन्फॉर्मेशन देंगे उनको भाई लोग नहीं देखते हैं। जो भाई एकदम मटेरियलिस्टिक बात करेंगे या फिर कोई महंगी महंगी चीज दिखाएंगे, 1 करोड़ की, 1 लाख की, 1 लाख का फोन ले लिया, उस पर भाई लोग जाएंगे। ये चीज सिंपल सी है, मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी बंदा अगर 1 लाख का फोन लेता है वो वीडियो बनाता है, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई बंदा बताए कि वो 1 लाख का फोन कैसे बनता है, कितने का 1 लाख आता है, उस पर टैक्स कैसे लगते हैं, कौन कौन उसको बनाता है, क्या सॉफ्टवेयर है, कोई नहीं देखेगा भाई, कोई भी नहीं देखेगा। गिनती के कुछ परसेंट लोग हैं मेरे जैसे या टेक गीक्स हैं वो देखते हैं। आखिर ये कॉन्सेप्ट की तो मैं बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैंने बहुत बड़ी स्पीच दे दी इसके ऊपर। अगला कमेंट जो आता है इब्राहिम शेख की तरफ से, वो बोल रहे हैं इंडियन आर्मी नहीं है भाई, उसको बेवकूफ बना रहा है। एक्चुअली हाँ भाई, ओएलएक्स पे काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, अभी भी एंड पास में भी काफी सारे फ्रॉड हुए हैं, मेरे साथ भी ये हुआ था कि इंडियन आर्मी के नाम पे जो है फ्रॉड होते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब यार ये कोई मैं कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में भाई हमें आर्मी की या फिर किसी भी ऐसे पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहा है। भाई यहाँ पे मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, सच में ये चीज बता रहा हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भाई प्लीज जाके कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट लिखवा बोल सकते हो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम में, तभी जो है यहाँ पे अवेयर होगी, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, ये वरना स्कैम चलते रहेंगे। चलो पैसे तो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो रेपुटेशन जो होती है इंडियन आर्मी की, वो भाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो भाई बियर नहीं करी जाती है, एक बार अगर खराब हो जाती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, कोई भी इंडियन आर्मी वाला बंदा ऐसा नहीं करता, नहीं करता, नहीं करेगा, नहीं करा था कभी किसी ने। और सेकंड चीज़ आपके साथ होता है तो भाई मैंने आपको बताया, तो भाई आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है एंड या फिर आप साइबर क्राइम में भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी कमेंट की जो आते हैं यहाँ पे, हीना शेख की तरफ से, वो बोल रही हैं सर आई मेड माय इंस्टाग्राम अकाउंट इन 2019 एंड डिड नॉट यूज फॉर 1 ईयर। इन्होंने 2019 में अकाउंट बनाया था और 1 साल तक यूज नहीं करा, लेकिन 1 साल बाद यानी आप बोल सकते हो 2020-21 में यूज करा 2-3 महीने, उसके बाद इनको अपडेट्स नहीं आ रही लेटेस्ट अपडेट। तो इसके लिए आप जो है एप्लीकेशन बेटा वर्जन पर अपडेट कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, आप जो है इंस्टाग्राम लाइट में सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन लॉग इन करो या फिर डेस्कटॉप पीसी भी कर लो, उसके बाद जो है
इंस्टाग्राम में लॉगिन करो, शायद से आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंस्टाग्राम जो है बहुत से अकाउंट जो बंद होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, आप बोल सकते हो 12-15 महीने के लिए, उसको जो है यहाँ पे स्पैम अकाउंट या फिर जो है बोल सकता है इनएक्टिव अकाउंट्स में डाल देती है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हाँ रीच कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, फिर से अगर काम करोगे कॉन्टेंट लाओगे तो कोई टेंशन नहीं। तो गाइस दैट्स ऑल टुडेस वीडियो, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस में रोजाना आपके चैनल पे लाता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।